हेलो एवरीवन, आई एम सोम सोम दैया। वंस अगेन आई एम हेयर विद एन वीडियो। सो आज की वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है, उन सभी मित्रों के लिए है जो गाने तो सुनते हैं, उन गानों के अंदर छुपे इंग्लिश वर्ड को नहीं पहचान पाते हैं, या फिर उन इंग्लिश वर्ड को सुनने के बाद इग्नोर कर देते हैं बिकॉज उनका मीनिंग उनको पता नहीं होता है। तो चलिए इंग्लिश के गानों के साथ साथ इंग्लिश को भी सीख लेते हैं। और ऐसे 5 सॉन्ग्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनके अंदर कोई ना कोई वर्ड यूज़ हुआ है इंग्लिश का, और उन वर्डों में छुपी हुई इंग्लिश को आज मैं उनके मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं पहले गाने की वो दो लाइन्स जिसके अंदर वो इंग्लिश वर्ड छुपा हुआ है। सो एन्जॉय इट। तो ये सुना आपने एक सॉन्ग, इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है आई स्वेयर। आई स्वेयर कहाँ यूज करते हैं? आई स्वेयर का मतलब होता है जब हम कसम खाते हैं किसी चीज़ की। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, जब आप हिंदी भी बोलते हो तो उसके अंदर आप एक आई स्वेयर वर्ड को यूज़ करते हो तो अच्छा लगेगा, उस सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मतलब कहीं जा रहे हो और कोट पैंट पहनी हो तो उसके ऊपर टाई लगाने से उसकी शोभा और बढ़ जाती है ना, तो वैसे हिंदी बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो और उसके उसको थोड़ा सा इंग्लिश में मॉडिफाई कर दें, इंग्लिश का एक वर्ड यूज़ कर दें तो और अच्छी उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो आई स्वेयर का मीन्स होता है मैं कसम खाता हूँ या मैं कसम खाता हूँ, ठीक है। सो जब भी कभी आपको कोई भी चीज़ कसम खानी हो, आई स्वेयर मैंने नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। सो लेट्स एंजॉय सेकंड सॉन्ग। दिल करे पर पोजल जा भेजदा तेरे अड़ बसवा तो वे मैं रहा डर दी जब कुड़ियां च गल तेरी हुंदी है वे मैं मल्लो मल्ली सोड़े आप लश कर दी। तो इस सॉन्ग के अंदर आपने सुना, इस सॉन्ग के अंदर दो वर्ड यूज हुए, प्रपोजल एंड ब्लश। तो प्रपोजल का मींस क्या होता है? प्रपोजल का मींस तो वही होता है क्या, प्रपोजल मींस प्रस्ताव। जब आप कोई स्कीम कोई प्लान लेकर के जाते हो और दूसरे को कहते हो ये चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो वो होता है प्रपोजल। या फिर जब किसी के लिए रिश्ता लेकर के जाते हो तो उसे भी हम प्रपोजल बोलते हैं, ठीक है। सो सेकंड वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, वो ब्लश। ब्लश ब्लश का मीन्स होता है प्यार भरी निगाह से किसी को देख करके शर्माना, ठीक है। किसी को प्यार से देख करके जब शर्म आते हैं तो ये इस सॉन्ग को सुन करके और सॉन्ग की वीडियो देख करके आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। मौत मार दी ना बंदे नु ताई गो मार दी, मौत मार दी ना बंदे नु ताई गो मार। तो नेक्स्ट है ईगो। ईगो आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा इस वर्ड का प्रचलन होता है और बहुत ज़्यादा लोग इस ईगो से पीड़ित हैं। तो ईगो का मतलब होता है अहम, जो अपने आप को सर्वोत्तम मानते हैं, वो दूसरों को बिल्कुल नेग्लिजिबल मानते हैं, बिल्कुल जीरो मानते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड बना ईगो। तो हमें कभी भी ईगो नहीं करनी चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ईगो वर्ड को छोड़ करके आप सबसे मेल मिलाप रखिए और भाईचारा बढ़ाइए। तो ये था ईगो, ईगो का मीनिंग। So let's have a look at the next. तू जट्टा जट्टी दा क्रश आवे गल्लां ते बलाश हावे दाना तू तक मुंडिया। तू जट्टा जट्टी दा क्रश आवे गल्लां ते बलाश हावे दाना। तो इस सॉन्ग के अंदर आपको पता चल गया होगा कि क्रश एंड ब्लस। तो क्रश एंड ब्लस, तो क्रश का मीन्स क्या होता है? क्रश का मीन्स होता है किसी का प्यार, या फिर दूसरा क्रश किसी को चकनाचूर करना। क्रश मीन्स चकनाचूर करना और क्रश मीन्स किसी को प्यार करना, ठीक है। जैसे वो कहते हैं वो मेरा क्रश है, मतलब मैं उसे प्यार करती हूँ, गेटिंग। और ब्लश हमने पहले भी पढ़ लिया है कि किसी को प्यार भरी निगाह से देखते हुए शर्माना, तो उसे हम ब्लश कहते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। हाय मैं तेरी शैडो बन जावा नाल नाल रहूंगा मुतेरे, हाय मैं तेरी शैडो बन जावा। नेक्स्ट तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया कि शैडो, शैडो मीन्स मैं तेरी शैडो बन जावा, तो मतलब शैडो मीन्स होता है परछाई। तो शैडो मीन्स क्या होता है? परछाई, ठीक है। तो आज के ये थे 5 वर्ड जो मैंने फिल्मी सॉन्ग से सेलेक्ट किए हैं या फिर मैंने पंजाबी सॉन्ग से सेलेक्ट किए हैं। अब जैसे ही मैं कोई भी मूवी देखूंगा या मैं कोई भी चीज़ देखूंगा उसके अंदर मुझे कहीं भी कोई भी वर्ड मिलेगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट करना मत भूलना।
सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।